और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल फ्राई। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और आज जो हम दाल फ्राई बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, तो फिर चलिए दाल फ्राई बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल फ्राई। दाल फ्राई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो आइए देखते हैं दाल फ्राई बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप तुअर की दाल ली है, ये देखिए, और 1 कप ही यहाँ पर मैंने मूँग और मसूर की दाल ली है। 1 प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टमाटर लिया है इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक और लहसुन लिया है बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। आप यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गरम मसाला। तो फिर चलिए दाल फ्राई बनाना शुरू करते हैं। दाल फ्राई बनाने के लिए हमें सबसे पहले दाल को बॉईल करना है, तो अब हम कुकर में ये जो दाल है इसे डाल देते हैं। इसे मैंने धो लिया है अच्छे से 2 से 3 बार, तो ये मैंने दाल को डाल दिया है कुकर में, ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 पिंच हींग, और ये 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 ग्लास के लगभग पानी, ये देखिए। और इसे एक बार मिला देते हैं। और अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। तो ये देखिए, कुकर को मैंने रख दिया है गैस पर, और अब हम इसमें सीटी लगा लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर दाल अच्छे से प्रेशर कुक हो चुकी है। मैंने इसे अलग बाउल में निकाल लिया है, और अब हम इसके लिए मसाला बनाकर तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन, और इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं 1 सूखी वाली लाल मिर्च, और इसे भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर लहसुन और अदरक अच्छे से भून चुका है, और अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज, और प्याज के साथ ही इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, और इसे भी भून लेंगे हल्का सुनहरा होने तक। तो ये देखिए, यहाँ पर प्याज हल्का सुनहरा हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, मिला लेंगे टमाटर को भी अच्छे से। और अब इसे ढक देंगे और इसे पका लेंगे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक। तो ये देखिए, यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं नमक, और ये हल्दी पाउडर। अब इसमें ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च पाउडर, और सभी मसालों को मिला लेंगे अच्छे से। और अब इसे ढक देंगे और इसे पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, यहाँ पर मसाला अच्छे से पक चुका है, और मसाले में से ऑयल भी अलग हो चुका है,
तो अब हम इसमें डाल देते हैं बॉईल की हुई दाल और इसे मिक्स कर देंगे मसालों में। तो ये देखिए यहाँ पर दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाले में और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड कर देती हूँ, ये थोड़ा मैंने गर्म पानी यूज़ किया है और ये पानी एक से डेढ़ गिलास के लगभग है। तो अब हम इसे मिला लेते हैं और अब इसे ढक देंगे और इसमें एक उबाल लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दाल में उबाल आ चुका है और इसमें से अच्छी सी महक भी आ रही है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे और ये दाल बनकर तैयार है। और इसे थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक तड़का लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर तड़का बनाने के लिए मैंने तड़का पैन में एक चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा, थोड़ा सा चटकने देंगे जीरे को। और अब हम इसमें डाल देते हैं दो से तीन कली लहसुन जिसे मैंने बारीक काट लिया है और इसे भी भून लेंगे लगभग एक मिनट के लिए। तो ये देखिए लहसुन अच्छे से भून चुका है यहाँ पर। तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक पिंच हींग और अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च आधा छोटी चम्मच। तो ये देखिए तड़का बनकर तैयार है। तो अब हम इसे डाल देते हैं दाल में और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये लीजिए स्वादिष्ट दाल फ्राई बनकर तैयार है। आप इसे सर्व कीजिए गरम गरम फुलके के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।